हेलो एवरीवन, लास्ट लेक्चर में हमने लूप स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा था। हम सिक्वेंशियल कोड्स डिसाइड कर रहे थे कि किस तरीके से इफ स्टेटमेंट, वेट, केस, लूप, इनको यूज़ करके सिक्वेंशियल कोडिंग की जाती है। स्टार्टिंग लेक्चर में हमने कंकरेंट कोड्स और सिक्वेंशियल कोड्स के बारे में पढ़ा था और हमने ये देखा था कि सिक्वेंशियल कोड्स की हेल्प से भी हम कॉम्बिनेशनल सर्किट्स को डिज़ाइन कर सकते हैं, लाइक इफ स्टेटमेंट का यूज़ करके हम मल्टीप्लेक्सर को डिज़ाइन कर सकते हैं, जैसा कि इस एग्जांपल में हम देख रहे हैं। तो आज का टॉपिक हमारा यही है कि किस तरीके से हम इफ एल्स इफ स्टेटमेंट को यूज़ करके एक 4:1 मल्टीप्लेक्सर को डिज़ाइन करेंगे और सिमुलेट करके देखेंगे कि जो हमें आउटपुट वेवफॉर्म्स मिल रही हैं क्या वो 4:1 मल्टीप्लेक्सर के आउटपुट्स के साथ वेरीफाइड होती हैं, क्या हमें वो आउटपुट मिलता है जो हम थ्योरी में 4:1 मार्क्स के लिए पढ़ते हैं। ओके, पिछले लेक्चर्स में हमने कुछ और एग्जांपल्स भी देखे थे जिनको हमने विद द हेल्प ऑफ सिक्वेंशियल कोड्स यूज़ किया था। फुल एडर हमने डिज़ाइन किया था लूप स्टेटमेंट की हेल्प से। तो आज हम एक मल्टीप्लेक्सर डिज़ाइन करते हैं। ओके, आप VSDL लैब प्लेलिस्ट में जाके जो हमने एक मल्टीप्लेक्सर डिज़ाइन किया था विद सेलेक्ट वैन को यूज़ करके, आप उसे देख सकते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन मैंने ऊपर दे रखा है आपको और वहाँ पर आप मल्टीप्लेक्सर की वर्किंग को भी समझ सकते हैं। क्लियर? तो वहाँ पे आपको ये चीज़ पता चल जाएगी कि एक मल्टीप्लेक्सर कैसे काम करता है, 4:1 मल्टीप्लेक्सर। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं उसके कोड से, VSDL कोड से। ओके, उसके बाद हम इसको EDA प्लेग्राउंड में रन करके देखेंगे और वेवफॉर्म की हेल्प से समझेंगे कि ये कैसे काम कर रहा है। तो सबसे पहले कोई भी VSDL कोड लिखने के लिए हमें क्या चाहिए? लाइब्रेरी। तो हमने लाइब्रेरी IEEE पैकेज स्टैंडर्ड लॉजिक 1164 अर्थमेटिक अनसाइंड ये हमने यूज़ किए, हम इन सब को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देन हमने एंटिटी डिक्लेयर करी। ओके, तो एंटिटी में देखिए ये आप एक 4:1 मल्टीप्लेक्सर बना रहे हैं, तो अगर हम एक 4:1 मल्टीप्लेक्सर की बात करें तो उसमें डेफिनेटली कितनी सेलेक्ट लाइन होंगी? 2 सेलेक्ट लाइन, S1 एंड S0। और कितने इनपुट्स होंगे? I0, I1, I2 एंड I3 और एक आउटपुट होगा। क्लियर? तो यहाँ पर हमने सेलेक्ट लाइन जो हमारा इनपुट है उसको हमने एक वेक्टर की हेल्प से रिप्रेजेंट किया है और वो वेक्टर क्या है? 1 down to 0। तो दिस इज 1 down to 0। इनपुट हमारे 0 to 3 तक मूव कर रहे हैं, तो हमने इनपुट डिफाइन किया है from 3 down to 0 स्टैंडर्ड लॉजिक वेक्टर, और आउटपुट हमारा सिंगल बिट है तो हमने उसको डिफाइन किया है स्टैंडर्ड लॉजिक। ओके, तो ये आपकी एंटिटी पोर्शन है जो हमने यहाँ पे क्लोज किया। हम कई प्रोग्राम लिख चुके हैं तो अभी तक हमें ये अच्छे तरीके से याद हो गया होगा कि लाइब्रेरी और एंटिटी को कैसे डिक्लेयर किया जाता है। आइए मेन पोर्शन जो आर्किटेक्चर का है उसे समझते हैं कि इफ एल्स इफ स्टेटमेंट की हेल्प से इसे हम कैसे डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे आर्किटेक्चर में प्रोसेस को। ओके, सो यहाँ पर हम किस किस को प्रोसेस कर रहे हैं? S1, S0 जो कि हमारी सेलेक्ट लाइन है, और इनपुट I0 से I3 तक। ओके, तो हमने यहाँ पे प्रोसेस के अंदर लिस्ट लिख दी अपनी सेंसिटिविटी लिस्ट, दैट इज SI। प्रोसेस को हम बिगिन करेंगे, पहले हमने आर्किटेक्चर को बिगिन किया, अब हम प्रोसेस को बिगिन करेंगे। इफ कंडीशन यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो मैंने आपको बताया कि हम इफ एल्स इफ स्टेटमेंट यूज करके एक मल्टीप्लेक्सर डिजाइन कर रहे हैं। सो इफ S इज लेस देन इक्वल टू 0 पहली कंडीशन। तो देखिए सेलेक्ट लाइन आपकी है S1 S0, कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे इनके? 0 0 0 1 1 0 1 1। तो वही कंडीशन हम यहाँ पर चेक करेंगे, वेरी सिंपल। सो इफ S इज लेस देन इक्वल टू 0 0 देन Y विल गेट द वैल्यू ऑफ I0। तो अगर देखिए S1 S0 की वैल्यू 0 0 होती है तो Y पे कौन सा इनपुट मिलता है आपको? I0। अगर 0 1 वैल्यू होती है तो कौन सा इनपुट मिलता है? I1। नेक्स्ट कंडीशन चेक करी, एल्स इफ एस इज लेस देन इक्वल टू 0 1 देन वाई विल गेट द वैल्यू ऑफ I1। ओके, देन एल्स इफ एस इज लेस देन इक्वल टू 1 0 देन वाई विल गेट द वैल्यू ऑफ I2।
एल्स वाई विल गेट द वैल्यू ऑफ आई थ्री। तो लास्ट में एक ही कंडीशन बची है आपकी वन वन, तो डेफिनेटली वो आई थ्री की वैल्यू असाइन होगी आपके वाई में। तो अब आपने पहले क्या किया, इफ स्टेटमेंट को एंड किया, देन आपने प्रोसेस को एंड किया, देन आपने एंड बिहेवियर को, एंड बिहेवियर मीन्स आपके आर्किटेक्चर को आपने क्लोज कर दिया। तो आई होप ये समझने में कोड को, आप ये जो कोड लिखा है VSDL में आपका मल्टीप्लेक्सर के लिए, दैट इज 4:1 मल्टीप्लेक्सर, इसे समझने में मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि हम कई कोड्स ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 4:1 मार्क्स यूजिंग इफ एल्स इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। ओके चलिए, अब जो मेन पोर्शन है, जो मेन चीज हमें समझने में आएगी कि हम इसे कैसे इंप्लीमेंट करें, वो है इसका सिमुलेट पार्सन। तो ये आ गए हैं हम अब 4:2 मार्क्स के सिमुलेशन पार्ट में। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है कि हमें टेस्ट बेंच डिज़ाइन सेलेक्ट करना है VSDL। डेफिनेटली सबसे पहले हमें प्रोफाइल में लॉगिन करना है, अपना अकाउंट जो भी आपने बना रखा है, हम कई बार इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं। देन यहाँ पर VSD एक्सटेंशन से टेस्ट बेंच और डिज़ाइन VSD ओपन हो जाएंगे। देन आप क्या करेंगे, आप अपना VSDL कोड लिखेंगे जो भी आपने 4:1 मार्क्स को डिफाइन करने के लिए यूज़ किया है। तो मैंने आपको जो कोड अभी समझाया वो मैंने कोड यहाँ पर लिखा है, क्लियर। तो लाइब्रेरी डिफाइन करी, एंटिटी डिफाइन करी, देन आपने आर्किटेक्चर डिफाइन किया सारी कंडीशंस को यूज़ करके, और ये इसका टेस्ट बेंच कोड है। तो टेस्ट बेंच कोड में डेफिनेटली हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी वैल्यूज़ को डिफाइन करना पड़ेगा कि हम कौन सी वैल्यू असाइन कर रहे हैं। ओके तो देखिए एंटिटी एम्प्टी, एंटिटी में कुछ नहीं लिखा जाता है। देन आप कंपोनेंट डिफाइन करेंगे, डेफिनेटली अंडर इंटरकनेक्ट वायर्स में कुछ इंफॉर्मेशन फ्लो हो रही है, जो भी वैल्यूज़ आप चेंज कर रहे हैं तो आपको सिग्नल्स डिफाइन करने हैं। उसके बाद आप पोर्ट मैप करेंगे और देन आप सेलेक्ट लाइन की वैल्यूज़ को विथ सम डिले, एस की वैल्यू स्टार्टिंग में 0:0 होगी, देन 10 मिलीसेकंड बाद वो वैल्यू 0:1 हो जाएगी, देन 10 मिलीसेकंड बाद वो वैल्यू 1:0 हो जाएगी, और देन 10 मिलीसेकंड बाद वो वैल्यू 1:1 हो जाएगी। ये डिले हम इसलिए दे रहे हैं ताकि हमें वेवफॉर्म अच्छी तरीके से दिखाई दे। दूसरा काम हमें जो करना है, यहाँ पर हमें टॉप एंटिटी में टेस्ट बेंच में जो एंटिटी हमने यूज़ की है, दैट इज मक्स _TB, वो लिखना है। देन हमें सिमुलेटर सेलेक्ट करना है एलडेक रिव्यूअर 2020.04, और उसके बाद जो मेन पॉइंट है आपका वो है रन टाइम। तो अगर आपको प्रॉपरली वर्क वेवफॉर्म्स देखनी है तो आपको रन टाइम अपना अच्छी तरीके से सिलेक्ट करना होगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैं 10 मिलीसेकंड का डिले दे रहा हूँ, तो टोटल डिले आपका 40 मिलीसेकंड हो गया। तो मैंने टोटल रन टाइम आपका 50 मिलीसेकंड दे दिया ताकि मुझे चारों वेवफॉर्म्स या चारों ड्यूरेशन डिले प्रॉपर तरीके से दिख जाए। देन आप ओपन EP वेव पे क्लिक करेंगे, तो जब आप इसको सेव करेंगे और रन कराएंगे उसके बाद एक वेव फॉर्म विंडो ओपन होगा जिसमें आप देख सकते हैं कि इनके आउटपुट्स क्या हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने इसे सेव किया हुआ है, सपोज अगर मैं यहाँ पे कुछ चेंज करता हूँ तो देखिए यहाँ पे साइन आ गया स्टार का। तो आप इसको यहाँ सेव करेंगे और सेव करने के बाद आप इसे रन करेंगे। ओके तो अगर रन करने के बाद कोई भी एरर नहीं है, कोई प्रॉब्लम अगर नहीं है कोड में, तो वो डेफिनेटली रन होने के बाद एक विंडो ओपन कर देगा आपके लिए, क्लियर। तो अब देखिए यहाँ पे हम बाइनरी रेडिक्स यूज़ कर लेते हैं, और अगर हम इनपुट की बात करें तो देखिए हमने वैल्यू फिक्स कर रखी है, आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। आई नॉट की वैल्यू मैंने 0 दी है, आई वन की वैल्यू मैंने 1 दी है, आई टू की वैल्यू 0, आई थ्री की वैल्यू 1। तो यही वैल्यूज ये शो कर रहा है इनपुट के लिए। ओके अगर आपको देखिए कोड देखना है तो आप इसको मिनिमाइज करके वापस कोड में जा सकते हैं और यहाँ पे क्लिक करके ऊपर आ सकते हैं, सिंपल। तो देखिए ये आपका इनपुट है 1010 और ये आपकी सेलेक्ट लाइन है। तो सेलेक्ट लाइन क्या है आपकी 0 1 2
एंड थ्री। तो देखिए आपने जब ऑप्शन दिया कि सेलेक्ट लाइन जीरो हो तो देखिए आउटपुट क्या होगा, जब सेलेक्ट लाइन जीरो है तो आउटपुट क्या होगा जीरो, जब वन है तो आउटपुट क्या होगा वन। तो देखिए जब आपकी सेलेक्ट लाइन जीरो है तब आपका आउटपुट क्या है जीरो, जब आपकी सेलेक्ट लाइन वन है तब आउटपुट क्या है आपका वन, जब आपकी सेलेक्ट लाइन टू है तब आपका आउटपुट क्या है जीरो, और जब आपकी सेलेक्ट लाइन थ्री है तब आपका आउटपुट है वन। ओके सो आई थिंक तो आपको ये कोड समझ में आया होगा कि कैसे 4:1 मल्टीप्लेक्सर को हम इफ एल्स इफ स्टेटमेंट मीन्स सिक्वेंशियल कोड्स की हेल्प से डिफाइन कर सकते हैं। तो कैसे कॉम्बिनेशनल सर्किट्स को भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, डिज़ाइन किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ दीज सिक्वेंशियल कोड्स। ओके सो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है आपका सिग्नल वेरिएबल कांस्टेंट क्या होते हैं, कैसे उनको डिफाइन किया जाता है, कैसे उनको रिप्रेजेंट किया जाता है। हम कई कोड्स में सिग्नल और वेरिएबल भी यूज़ कर चुके हैं, थोड़ा सा डिटेल में हम उनके बारे में पढ़ लेते हैं। अगर आपसे कहीं क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिग्नल्स के बारे में समझाइए या वेरिएबल्स क्या होते हैं उनको देखिए बताइए, कांस्टेंट क्या है या उनके बीच में डिफरेंस क्या है, ये तो ये आपके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल रहेगा यहाँ से। तो देखिए सिग्नल जो है आपके वो ग्लोबल होते हैं। ओके सबसे बेसिक सा पॉइंट है कि वो ग्लोबल हैं, वो इंटरकनेक्ट की तरह यूज़ होते हैं, मीन्स आप कह सकते हैं कि वो वायर्स की तरह यूज़ होते हैं। वायर्स का मतलब ये नहीं कि हार्डवेयर वायर्स की तरह आप उनको कनेक्ट कर रहे हैं, सिंपली आप अगर कोई भी इंफॉर्मेशन पास कर रहे हैं और इंटरनली अगर सपोज आपने यहाँ पे एक फुल एडर बनाया ए बी सी और यहाँ पे सम और कैरी बनाया, तो डेफिनेटली ये हमें मालूम है कि ये दो एग्जॉर गेट से मिलके बनेगा। क्लियर? सो एक बार आप ए एग्जॉर बी एग्जॉर करेंगे और दूसरी बार आपका जो सेकेंड वाला होगा उसमें आप एग्जॉर यहाँ पे यूज़ करेंगे। ओके तो इसी तरीके से आप ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए करेंगे, तो इंटरनली आप कई कनेक्शंस प्रोवाइड कर रहे हैं, जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो मूव कर रही है दूसरे वाले ब्लॉक के लिए या दूसरे वाले कंपोनेंट के लिए, तो वहाँ पर हम सिग्नल्स का यूज़ करते हैं ताकि इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट डिफाइन हो सके। तो आप कह सकते हैं कि यह सिग्नल कैन बी डिक्लेयर्ड इन अ पैकेज एंटिटी आर्किटेक्चर, कहीं पे भी हम इस सिग्नल को डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम आर्किटेक्चर के अंदर उसे डिफाइन कर रहे हैं तो वो उसके डिक्लेरेटिव पार्ट में होगा। ओके एक मेन चीज जो हमें सिग्नल के लिए याद रखनी है वो ये है कि सिग्नल की वैल्यू कभी भी तुरंत चेंज नहीं होती। सो फोर्थ पॉइंट जो है आपका, फॉर सिग्नल व्हेन यूज्ड इन अ प्रोसेस न्यू वैल्यू इज अवेलेबल आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ द प्रेजेंट रन ऑफ द प्रोसेस। तो अगर आपने प्रोसेस किया है कुछ तो जब तक वो वैल्यू आप कह सकते हैं कि कैलकुलेट नहीं होगी तब तक आप दूसरी वैल्यू को उसमें प्रोवाइड या उसमें अप्लाई नहीं कर सकते। ओके सपोज अगर आप ये कहें कि एक सिग्नल है आपके पास एस, ओके सो सपोज कोई एक एस सिग्नल है और आपने उसमें वैल्यू असाइन कर रखी है वन, और इसके बाद मतलब प्रोसेस के अंदर आपने इसको अप्लाई किया है और आप कोड को एग्जीक्यूट करा रहे हैं, तो जब तक ये वैल्यू जो आपने अप्लाई की है वो जहां भी आप अप्लाई कर रहे हैं, सपोज आप ए प्लस बी निकाल रहे हैं कुछ वैल्यू असाइन कर रहे हैं, तो अगर जब तक ये वैल्यू यहाँ पर असाइन नहीं हो जाएगी और कैलकुलेट नहीं हो जाएगी, पूरी प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हो जाएगी, तब तक आप नई वैल्यू सिग्नल की अप्लाई ना करें। अगर आप अप्लाई करेंगे तो वो आपको डेफिनेटली एरर प्रोवाइड कराएगा। ओके सो सिंपल वर्ड में आप ये कह सकते हैं कि अगर आप किसी सिग्नल को मल्टीपल वैल्यूज सिंगल टाइम में प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो डेफिनेटली आपको एरर प्रोवाइड करेगा। क्लियर? सिग्नल का असाइनमेंट, ये असाइनमेंट ऑपरेटर हम कई बार यूज कर चुके हैं, कई बार पढ़ चुके हैं। अगर आपको सिग्नल डिफाइन करना है तो ये उसका सिंटैक्स है। सो सिग्नल टाइप रेंज, और अगर आप कोई इनिशियल वैल्यू उसमें प्रोवाइड कर रहे हैं तो सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो आपने एक सिग्नल डिफाइन किया जिसको नाम दिया आपने कंट्रोल। ओके सो कंट्रोल, और क्या टाइप है उसका बिट, और अगर आप उसकी इनिशियल वैल्यू देखें तो यहाँ पे कितनी है जीरो। क्लियर? कोई सिग्नल हमने यूज किया काउंट, टाइप उसका इंटीजर है और उसकी रेंज है जीरो टू हंड्रेड।
तो इस तरीके से आप सिग्नल्स को डिफाइन करते हैं। ओके सो क्या पॉइंट आपको याद रखना है सिग्नल के बारे में? पहला पॉइंट ये कि सिग्नल ग्लोबली डिफाइन किया जा सकता है, एंटिटी आर्किटेक्चर पैकेज के अंदर डिफाइन कर सकते हैं हम इसे, इंटरनेट्स की तरह यूज होता है, इसका ऑपरेटर हमें मालूम होना चाहिए कैसे डिफाइन करते हैं, और सबसे जो जरूरी बात है वो ये है कि सिग्नल में आप मल्टीपल वैल्यूज को एक साथ अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपने प्रोसेस के अंदर सिग्नल को डिफाइन किया है तो पूरा पहले एग्जीक्यूट होगा, और जब तक उसकी मतलब नई वैल्यू आपको नहीं मिलेगी, नई वैल्यू इन द सेंस जब वो एग्जीक्यूट हो जाएगा उसके बाद ही आप उसमें नई वैल्यू अप्लाई कीजिए। ओके नेक्स्ट है आपका वेरिएबल। जैसे सिग्नल आपका ग्लोबली यूज हो सकता है, ग्लोबल है, वैसे ही वेरिएबल जो है आपका वो सिर्फ लोकल है। ओके लोकल इन द सेंस कि आप इसे डिफाइन करेंगे प्रोसेस फंक्शन और प्रोसीजर में, वो भी उनके डिक्लेरेटिव पार्ट में। ओके सो देखिए वेरिएबल कैन ओनली बी यूज्ड इन सिक्वेंशियल कोड, पहली बात, एंड इट्स डिक्लेरेशन कैन ओनली बी डन इन द डिक्लेरेटिव पार्ट ऑफ प्रोसेस फंक्शन एंड प्रोसीजर। क्लियर, वेरिएबल लोकल है। और ये सिग्नल से कैसे डिफरेंट है? अपडेट ऑफ अ वेरिएबल इज इमीडिएट, मीन्स आपने सपोज वेरिएबल की कोई वैल्यू दी, कोई भी वैल्यू एग्जीक्यूट करके आई, सो नेक्स्ट लाइन लाइन में आप दूसरी वैल्यू असाइन कर सकते हैं, तो वो उसमें तुरंत अपडेट हुआ, देन नेक्स्ट लाइन में वो एग्जीक्यूट हुआ और फिर वो उसमें अपडेट हो सकता है। तो वेरिएबल का जो कॉन्सेप्ट है या जो यूज़ है वो यही है कि इसकी वैल्यू को आप कंटिन्यूसली अपडेट कर सकते हैं, तुरंत आपको नेक्स्ट लाइन में उसका एग्जीक्यूशन या नेक्स्ट लाइन में उसकी अपडेट्स मिल जाएंगी, उसकी वैल्यू मिल जाएगी। बट सिग्नल में ऐसा नहीं है, जब तक आप उस पूरी प्रोसेस को एग्जीक्यूट नहीं कर लेते तब तक आप उसकी वैल्यू को चेंज या उसकी नई वैल्यू अप्लाई नहीं कर सकते या नई वैल्यू आपको नहीं मिल सकती। वेरिएबल को आप कभी भी पास नहीं कर सकते प्रोसेस से। ओके तो सबसे पहले क्या होगा, आप उसको एक सिग्नल में असाइन करेंगे एंड देन ओनली आप उसको पास आउट कर सकते हैं प्रोसेस से। ओके सो असाइनमेंट ऑपरेटर वेरिएबल का ये है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। सिग्नल का है आपका लेस देन इक्वल टू, सो दिस वन इज फॉर सिग्नल, और वेरिएबल का असाइनमेंट ऑपरेटर है ये। क्लियर, ओके नाउ नेक्स्ट कैसे हम वेरिएबल को डिफाइन करेंगे? सो वेरिएबल नेम टाइप रेंज इनिशियल वैल्यू, तो सिंपली जैसे आप सिग्नल डिफाइन कर रहे थे, आपने सिग्नल लिया, उसका नाम दिया, टाइप क्या है उसका, और देन उसकी इनिशियल वैल्यू। तो यहाँ पे वेरिएबल हमने एक लिया कंट्रोल, उसका टाइप है बिट और उसकी इनिशियल वैल्यू है जीरो। ओके सो ये थ्योरी थी आपकी वेरिएबल के लिए। देन हम बात करते हैं कॉन्स्टेंट की। सो कॉन्स्टेंट कैन बी ग्लोबल कॉन्करेंट और सिक्वेंशियल कोड्स, दोनों में हम इसको यूज कर सकते हैं। अगर हम कॉन्स्टेंट के सिंटेक्स की बात करें तो कॉन्स्टेंट नेम टाइप एंड देन वैल्यू। ओके सो सपोज मैंने एक कॉन्स्टेंट लिया सेट अंडरस्कोर बिट, उसका टाइप था आपका बिट टाइप और उसकी इनिशियल वैल्यू, मतलब इसकी वैल्यू क्या थी इनिशियल, सॉरी उसकी वैल्यू थी वन। सो ये कॉन्स्टेंट है आपका, तो उसकी वैल्यू आपने फिक्स की क्या वन। सो कॉन्स्टेंट कैन बी डिक्लेयर इन द पैकेज एंटिटी और आर्किटेक्चर। अब अगर हम उसे पैकेज में डिफाइन कर रहे हैं तो वो ग्लोबली यूज होगा, इट्स ट्रूली ग्लोबल। For the package can be used by several entities. Okay, package के बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आप उसको एंटिटी के अंदर डिफाइन कर रहे हैं तो वो ग्लोबल होगा उन सारे आर्किटेक्चर्स के लिए जो उस पर्टिकुलर एंटिटी को फॉलो कर रहे हैं। और अगर आप कॉन्स्टेंट को आर्किटेक्चर के डिक्लेरेटिव पार्ट में डिफाइन कर रहे हैं या डिक्लेयर कर रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ यूज होगा या फिर कहाँ पे प्रोसेस हो सकता है या ग्लोबल होगा? सिर्फ उस आर्किटेक्चर कोड के अंदर। ओके सो ये बात थोड़ा सा समझने की है कि अगर आप कॉन्स्टेंट को पैकेज में डिफाइन कर रहे हैं तो वो ट्रूली ग्लोबल है, आप कहीं भी उसको डिफाइन कर सकते हैं डिफरेंट एंटिटीज में। अगर आप एंटिटी के अंदर डिफाइन कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो सिर्फ उन्हीं आर्किटेक्चर्स में ग्लोबल होगा जो उस एंटिटी को फॉलो कर रही है, और अगर आप उसे आर्किटेक्चर में डिफाइन कर रहे हैं तो वो सिर्फ उस पर्टिकुलर आर्किटेक्चर के लिए ही ग्लोबल होगा। तो कॉमनली जो कॉन्स्टेंट आपका डिक्लेयर किया जाता है
वो आर्किटेक्चर में होता है और पैकेज में होता है। सो आज के लेक्चर में हमने सबसे पहले पढ़ा मल्टीप्लेक्सर को डिज़ाइन करना विद द हेल्प ऑफ इफ एल्स इफ स्टेटमेंट की हेल्प से। EDA प्लेग्राउंड में हमने उसे रन करा के देखा और हमने सिग्नल वेरिएबल कांस्टेंट जो हम जनरली आर्किटेक्चर के अंदर यूज़ कर रहे हैं, पैकेज के अंदर, एंटिटी के अंदर यूज़ कर रहे हैं, उनके बारे में हमने थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन पढ़ा, ताकि हम कहीं पे भी डिस्क्रिप्टिव आंसर में ये क्वेश्चन का आंसर अगर हमसे पूछा जा रहा है कि सिग्नल वेरिएबल कांस्टेंट को डिफाइन कीजिए, तो हम उसको यूज़ कर सकें। वेरिएबल का यूज़ मैंने लास्ट लेक्चर में लूप स्टेटमेंट की हेल्प से जो फुल एडर डिज़ाइन किया था, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि सम को जो डिफाइन किया गया है वो सिग्नल, जो आपका सम है वो एज अ सिग्नल ट्रीट हो रहा है, और जो कैरी है आपका वो आपका वेरिएबल की तरह ट्रीट हो रहा है। ओके, तो देखिए ये इस एग्जांपल की मैं बात कर रहा था। लूप स्टेटमेंट की हेल्प से मैंने फुल एडर डिज़ाइन करना आपको सिखाया। तो देखिए जो सिग्नल है, सॉरी जो सम है, सम आई ये लेस देन इक्वल टू, तो ये सम जो है आपका वो सिग्नल की तरह बिहेव कर रहा है, और कैरी आई प्लस वन, और ये असाइनमेंट ऑपरेटर किसका होता है, वेरिएबल का। तो देखिए ये वेरिएबल की तरह यूज हो रहा है। अब देखिए क्या होगा, जैसे ही वैल्यू कैलकुलेट होगी, अब क्योंकि आपको मालूम है फुल एडर केस में क्या होता है, पहला फुल एडर का जो आउटपुट है, कैरी आउटपुट है, वो दूसरे के लिए इनपुट की तरह यूज होता है। तो देखिए जैसे ही वैल्यू, आपने लेक्चर ये अगर पढ़ा होगा तो आप समझ सकते हैं कि कैरी आई प्लस वन का मतलब क्या है। तो जैसे ही यहाँ पे कैरी वन कैलकुलेट होगा, देन वो कैरी वन यूज़ होगा दूसरे वाले फुल एडर के लिए। तो अगर मैं सम टू की बात करूँ तो वहाँ पर मुझे कैरी टू चाहिए, तो कैरी आई इक्वल टू वन जब मैं पुट करूँगा तो कैरी टू मुझे मिल जाएगा। ओके, तो ये वेरिएबल तुरंत इमीडिएट अपडेट हो रहे हैं, क्यों, क्योंकि वो नेक्स्ट एग्जीक्यूशन के लिए चाहिए, नेक्स्ट लूप के लिए चाहिए। तो यही डिफरेंस हमने पढ़ा अभी सिग्नल वेरिएबल एंड कांस्टेंट के बारे में। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, थैंक यू।